तबे कोठे अच्छा प्रिया तबे कोठे अच्छा ए मोपरा तबे को खजी खजी थाकी गलेडी हेले म तबे को कोठे पाउनी प्रिया म तबे को कोठे पाउनी आले वर्षा म पाखु चली आसना प्रिया म पाखु को चली आसा मो खोज अचिलो साथी ओ मो खोज अचिलो साथी विष खाई मरि जीबिना मो बिना गो साथी प्राण बंचना मो बिना गो साथी प्राण बंचना वर्षा और श्रावणी होछि दि जान भन देखिबा पई ठीक एका भन एई श्रावण बाबू को यदि सेई श्रावणी पाख को नै की जाय ताहेला भण जमरो खुशी होई जे एटा ठीक छ अरे बाबा ए
तुम्हें कौन भाग जाऊ मौसा ए तुम्हें कौन भाग जाऊ मुकिची भावनी रे बाबा मुसाई बस्ता को था बाबा तेरे बाबा कौन कहला बरसा को था भाविला बिलटु मो आखिर लुह गुटा खाली धारो धारो हेई बही जाउ ए मौसा तुम्हें कने मो बरसा को तुम्हें जानी छ अरे बाबा बरसा को जाड़ी भी नहीं केमिति सही दिन बंधु मिश्र रो भाड़ी जी बरसा ना ता कथा जदी कहि देबी बापा तम गोड़ तलर माटीटा भी पूरा खसी दिवा तेले मौसा अरे खसी जाय मो गोड़ तलर माटी तेले मो बरसा रे कथा म सुनिबा के चाहे मौसा मा बरसा रे कथा म सुनिबा के चाहे जने जदी सुनिबा को चाहु छ बाबा ताहेले मो गटी गटी करी कहि देबी वर्षा कौटी अच्छा मत कहीदिना तुम दुहीं प्रेम संपर्क को जड़ी अनेक लोक अनेक लोक लज्जा को सही न पारे से नई कूल को आत्महत्या करने चल ए कौन का जाऊ मौसा ए तुम्हें कौन का जाऊ सतर कौन मो वर्षाटा नईकूल को आत्महत्या करने को चली गली से नईकूल उबुटुबु हवा देखे बापा मु भी ठीक से रास्ता धरी जाऊ वर्षा उधार कर वर्षाटा को पूरा मो घर को नहींकि आसी तमानी तमाने मो वर्षा था तुम घर अच्छी अरे बाबा वर्षा पर मो घर अच्छी ए मौसा अरे बाबा मो तुम को हाथ धर के कहछी मो तुम वर्षा पर तो नहीं चला मौसा मो तुम वर्षा पर को नहीं चला तो मैं वर्षा पर को जीवो बाबा हां मौसा तो मैं सत कहू छ मो सत कहू छ मौसा अरे मो वर्षा को पूरा अनेक दिन हला देखनी आज मो वर्षा को आंखें पूरे के देखिबी मौसा मो वर्षा को आंखें पूरे के देखिबी अरे बाबा आंखें पूरे के देखिबे रे बाबा चले मौसा अरे बाबा एठी आ विलंब करिबा नहीं चल मत शीघ्र शीघ्र मो वर्षा पाक को नहीं चल मौसा मो वर्षा पाक को मते नहीं चल ताले जीवा बाबा शीघ्र शीघ्र जीवा मनो केते दिन केते दिन ए बंदी सालर मो जीवन बीते बठा करे आउ केते दिन मु कोन मो मामू को देखा करी पारिबिनी मो बड़ा पाक कोन मो देखा करी पारिबिनी ए मामू आज काहे के जाने तुम कथा भारी मने पड़ुछि तुमको देखिबा पाई ए मन टाकुल हे गलानी मामू ए मनटा आकुल हे गलानी ए अपा तो कथा भारी मने पड़ुछिलो छोटो रेती बड़ हेली हेले जाय तो मुहा मु देखिनी तोते देखिबा पाई ए आखी दीटा झलसी गलानी लो अपा ए आखी दीटा झलसी गलानी हे ठाकुरी थरुते मो बड़ा पा सहित मोते भेट करे दिहा मो बड़ा पाक देखा चाहे धिक मो जीवन
धिकए बंधन बिहि लेखि छि म भाग्य कु तो बिना छुरी छुरी कांदुची पराण केबे तू आसिबू मो पाखे बसिबू खोजुची तेरे मन प्रीतिपुर गाँव को मो मामू को देखा करी मो बड़ा अपा को देखा करी मुझे बंदीशाल रही निश्चय चली से प्रीतिपुर गाँव को बंदीशाल से झरका फांक निश्चय चली लुचि लुचि मो मामू पाख को मो बड़ा अपा पाख को चली थी मु अबे हराम जदी टोकी दुआरे दुआरे लुची लुची खसी जीवा पाई
चेष्टा करिछबे बेसी जदि चढ़ा के देखाइबो ताहेले तो गोड़ हाथ टाको भांगि देबी केबे जाई तू मते चिन्हेबो एमिति कहनी धर्म पिता एमिति कहनी छोटा रेते बड़ हेली हेले जाय मो मामू को मो हम देखिनी मो बड़ा मामू हम देखिनी थरुटे मते बंदीशालर मुक्ति करि दियो मुक्ति करि देबी तते बंदीशालर छाड़ी देले तो मामू आगर जाई की सबु सत कथा दा गट्टी गट्टी करी कहि देबु नै ना ना नैबे हो तते जमारो छाड़ी पारिबिनी ना ना काहे आगर किछि कहिबिनी थरुटे थरुटे मो मामू को देखा करी पूरी चली आसी दे जगह को थरुटे मो बड़ा बाप को देखा करी श्रावणी देखिबा पई ठीक एकटा एई श्रावणीटा वर्षार अभिनय लेके करि दिले ठीक अछि मामा श्रावणी कथडा मो ऊपर चढ़ि दियो मामा देख श्रावणी तते जेमित हेलेबी हमरी कथा मानी तो बड़ भौणी वर्षार अभिनय करबा को पड़िबो ना मु मो बड़ा पर अभिनय करि पारिबिनी काहे के करि पारिबिनी काहे के करबी अभिनय तते जेमित हेलेबी हमारी कथा मानी वर्षार अभिनय करने को पड़ो ना तुम्हें मैंने तुम्हारे मारु मारी दे मो बड़ा पर अभिनय तो जहाँ को देखापी दिन रात स्वप्न देखु ना तेरे से बुढ़ा बाबूटा आउ तो बड़ा भौणी वर्षा को आम मारी दब राज्यूटी देखिल तो मामा आमरी कथा को केमिति मानि नै गला खेले भणजा मामा श्रावण बा ऊपर घर बाहर अछि म जाउ छी रे बाबा शीघ्र शीघ्र नै हां मामा आपण जाई कि सही श्रावण बाबू को नै कि असत मामा शीघ्र जाओ मामा जाउ छी रे बाबा केमिति अभिनय करबी केमिति म बड़ा पर अभिनय करबी श्रावण बाबू जदि जानिजी मु वर्षा नुह बोली तेबे मोर अवस्था कौन हम से जानी पारि बोली काहे कि ना तुमे हो छो दीजाला भौणी देखिबा को एका भली से देखिले मात्र के निश्चय वर्षा बोली भाभी नबो हेले सुन मो मामा ता चली गले सही श्रावण बाबू को लेकी आसीबा पई से आसीले मात्र के जेबिति कथाटा को ओलट पालट करि न दउ आउ जदि कथा लेको हेपट सेपट करि दउ ताहेले मो कोन कहि सुनि सुना तो मामू जाओ हे दुनिया रे नथिबो हे सोण तो एठी था आ वर्षार अभिनय करिने आछु छी ये कथा जेबिति भूली न जाओ जगन्नाथ जगन्नाथ ए दुखी मणि सुख दुख दे कि सुख पाउछ ठाकुर कि सुख पाउछ अजा कहुथिले आमे दुई भोली देखिबा को एका भली हेले चेहरा सिना एका मन तो एका नुह श्रावण बाबू जदि जानि दिबे मु वर्षा नुह बोली तेबे मोर अवस्था कौन हम ठाकुर मो अवस्था
तो सानो भणी के तो क्षमा करी दबुना तो सानो भणी के तो क्षमा करी दबुना आजि तोरी प्रेम रे भाग्य बसे बोलो भाग्य हेलो मा श्रावण ए श्रावण श्रावण बाबू पर आसी जाई चिंतिलो मन तते जेमिति हेले भी अभिनयटा करबा को केमिति करबी अभिनय केमिति मो बड़ा पर प्रेम को स्वीकार करबी केमिति मो बड़ा पर प्रेम रे मो भाग बसेबी केमिति देख श्रावण तते मो भलो रे कहू छी मो कथा रे राजी हो जा जदी मो कथाटा को एपट सेपट कर देउ एई मो बंकुली वाली देखु छी ना पीटी पीटी तक चमड़ा लाल कर दे मो बड़ा पार अभिनय कले मते ए बंदी सारे मुक्ति करी दबो तो तू जदी अभिनयटा करी देबू ताले तते मो बंदी सालर पूरा मुक्ति करे तबे ठीक अछि मो निश्चय करबी मो बड़ा पार अभिनय ताले मो डाकी देउ छिलो मा अरे बाबू श्रावण अरे से पटे काही कहां करी देखि छ अरे बाबा ए पटे आ अरे बाबा देखिबा अरे बाबा देखिबा एई होछि हमर चालो छपर घर एई घरे वर्षा आ मुरह रे बापा हेले मौसा म वर्षा टकाई अरे बाबा वर्षा कु देखिबा पई एते बि आकुल हा मौसा म वर्षा को म देखिबा कु चाहे अरे बाबा वर्षा त पर आइने अछि म डाकी देउछि मन भरि कु देखिबा रे बापा हेलो मा वर्षा ए वर्षा अरे मोटा को कहि के हांडी करी रखी श्रावण बाबू पर आसी जाई छंती तांको साथी रे टिके कथा वार्ता हो मु जाऊ छिलो मा से घरे अपेक्षा रे अछि जाऊ छिलो हुंडी अले वर्षा मु आसी बट के विलंब हले तुम्हें अभिमान करछो ना ए आई मो पूरा आसी जाई छी तुम श्रावण बाबू तुम श्रावण बाबू पूरा आसी जाई छी अले वत्सा तुम कोन सतरे सुबह जाउनी ना काहे की ए आई तुम श्रावण बाबू डाकु छी अले वत्सा श्रावण बाबू नुह कि कहनी बाबू तुम श्रावण बाबूटा मरी जाई छी काहे के मिते बापा कथा कहू छ जे ए वर्षा म तब के साक्षात करबा पाई तुम घर को जाई छली घर को जाई छली हां तुम घर छाड़ी चली बा कथा म मौसा को ठल सुनली मानु के मिते अछंती के मिते रहबे कहला तुम्हें पूरा घर छाड़ी के चली आसी छ ए बाबू आज कहे के जाने मामू के कथा भारी मन पड़ु मामू को देखा मनटा आकुल बाबू मनटा आकुल बाबू मौसा भी तुमको बहुत खोजी खोजी तुम्हें तो घर छाड़ चल वर्षा तुम घर चल चल जीवा कथा सीढ़ी मैं तुमको कितने खोजी छी अरे एठी सेठी पांच वाला वाली खोजी छी अरे मैं तुमको पग उठी पाइली ने प्रिया मैं तुमको कौठी भी पाइली ने केमिति पाई थरते बाबू सेसरी सेसरी से रंगा धर मौसा से रंगा धर मौसा सहित साक्षात ल बली आज मैं तुमको फेरी पाई छी ए मौसा आज तुम्हें मत कथा दिया
मठारु तुम्हें केबे भी दूर हे जीवनी केमिति कथा देबी बाबू केमिति कथा देबी तुम्हें परम बड़ा पर प्रेम ए वर्षा तुम्हें कौन भाभी दउछ कहिना तुम्हें जदी आज मते कथा न देबो ना ताले वर्षा त कहची मारी जीबी ए बाबू एमिति कहन बाबू एमिति कहनी मु तुमको कथा दउछी तुम्हारे के भी अलग है आज ना मैं तुमको एत दिन मध्य आज खोजिक पाई सात आज मुझे बहुत खुशी वर्षा आज मुझे बहुत खुशी तुम्हारा मोहटा सुखी जाइछ कहि कहला मो मोह सुखी जाइछ हां बाबा तो मोहटा सुखी जाइछ तुमे मिच्छा कहुछ मो मोह सुखी बजी ए बाबू एते दिन परे मते देखुछ ना बहुत दिन परे तुम आउ मोर साक्षात हेछि ना सेथि पाई मो मोह सुखी ला भरि लागथिबो आइ तुमको मो बहुत दिन परे देखुछ ना साथी भाई मते एमिति लागुछि हो बाबू हेले वर्षा सतरी आज मु तुमको पाइना आज मु बहुत खुशी सत कहुछि ए बाबू ए वर्षा तुमको पाइना मु भी आज बहुत खुशी सतरी भैया हां हेले वर्षा आज मु तुमको गोटे कथा कहने को चाहुछि कौन कहिबो म तमे सुनिबो ना अरे बाबा कुहा सतरी ए आखि तर नीली नीली चेहरा निराली वसा आखि तर नीली नीली चेहरा निराली रूपसी प्यार ओके मोरे पई अबु तुलाब तुमको पहिना आज मैं बहुत खुशी अनुभव करछी प्रिया बहुत खुशी अनुभव करछी सत कहछी ए बाबू वर्षा तुमको पहिना मु भी आज बहुत खुशी अनुभव करछी सतरी ए
आज मु पाई छी मन र साथी जने हेले वर्षा जदी एठु चली जीव रे बाबा मो प्राणटा भी पूरा चली जीव हे मौसा एतमे कोन कह दछ कहला देख मौसा
मो वर्षा को एते दिन मध्ये आज खोजि पाइछि मो वर्षा बिना केमिति बंची पारिबि कहिला अरे बाबा वर्षा बिना मो भी बंची पारिबि नि रे बाबा वर्षा अछि बोली सिना मते रांदी बाड़ी देले मो खाउछि वर्षा जदि एठु चली जीव ता पई छुरी झुरी मरी जीवि ए मौसा अरे बाबा तुमको बंचबा को पड़िबा मौसा तुमको बंचबा को पड़िबा काहे कि ना सब जदा वर्षा तुम साथे रही परबे ना केबे ना केबे ता सासु घर को चल जीव साथे पई कहछि मौसा वर्षा को मति आम घर को जीवा को दिया अरे बाबा वर्षा जदि एमिति चली जीव गार लोके कौन कहिबे कहला एई देखो हो देखो रंगा धरकु देखो तारबा कौन अछि बाहा करि देई थांदा झियोटा को एमिति पठेई देला ना रे बापा से भूल काम करिबा लोक मनो ए मौसा हे देखो केहिबे एमिति कहिबे नी मौसा म तुमको हाथ धरि के कहछि वर्षा को मते हम घर के जीवा को दिया अरे बाबा तुमको बुद्धि सुधि बोली किछि अछि ना नाही मौसा ए तुम्हें कौन करना चाहछा अरे बाबा तुम्हें हो छ राजकुमार हाता घोड़ा गाड़ी रे बरो नहीं हम गा को आसीबो बैंड बजा बाजीबो रसोणी जागीबो म वर्षाटा लाल टुकुटुक सादा बाबा हो बेसर बहुत ता परे तुम हाथ धरी तुम्हें ठीक कह चमौसा तुम्हें ठीक कह चा सातरी मते भूली जाईतिली मो परमेश्वर आसीबी आसीबो हे रसणी जालीबी आ वर्षा को बहु करके रही जीबी तुम्हें ठीक कह चमौसा तुम्हें ठीक कह चा ए वर्षा आ देखा मौसा तो सत कहछंती मो परमेश्वर आसी तुमको बहु करके रही जीबी ए बाबू वर्षा मते भूली जीवनी तो ए वर्षा मो तुमको केमिति भूल पारबी प्रिया मो पर तुमको भल्ला पाए तेबे ठीक अछि बाबू जमिति शीघ्र जाय शीघ्र शीघ्र चली आसीबो हो बाबा तुम आसीबा पथक मो अनै बसि थिबी बाबू अनै बसि ए वर्षा मो शीघ्र जाय शीघ्र चली आसीबी एथार मो आसु छी ठीक अछि बाबू शीघ्र आसीबो हां बाबा शीघ्र चली आसीबी तुम्हें तो कहिथिल मो बड़ अपार अभिनय कले मो देवंदी सारे मुक्ति करि देबा पई अभिनय टिके करि देले तो कोंटा हे गला हेले केते जंत्रणा देले तुम मन को शांति मिलिबो कहिलो एमिति जंत्रणा देबा अपेक्षा मते जीवन रु मारि दियो तते मारि देले कोन मो भणजा राजा हे परिबो जे प्रजंत तोर बाहाघर न होईछि सही प्रजंत तते सही बन कोठरी भीतर बन करि रखछि ना ना मु आ बंदीशाला को जीवनी तो जीवनी मते बंदीशाला भारी भय लागछि भय लाग दिन कि राते किछि जणा पड़ेनी किछि जणा पड़ेनी मते आ बंदीशाला को नियोनी एई तुमको नेहरा हे कहती मते आ बंदीशाला को नियोनी एई कि प्रेम करबा पई किछि भय लागुनी सेई कि बंदीशाला रे भारी भय लागछि आ कोनो कहुची आजि मो पाई छी मानर साथी जने मालो की साथी पाइथिलु ल मा देख श्रावण तते मो भलो रे कहुची मो साथी रे सही बंदी छला ना मो बंदी छला को जीबिनी तो जीबिनी तुमे मते मारु मारु मारी देले बे तते मारु मारु जीव मो बंदी छला को जीबिनी तते आ छाड़ीबिनी तते एना नै Thank you.
हे भगवान जदि से दिन ठीक समय मंदिर पूजा कार्य सारी फेर न था झीटी अवस्था कौन जे होता सबू तुमको जना प्रभु सबू तुमको जना आज को सात दिन हो झीटा धीरे धीरे सुस्थ होबार लगे हेले दुखर विषय अनेक डाक्टर बैद मान परामर्श नी हेले पेटर जोरे आघात जो पेटर छुआटा को बचे पारे आक्टर मैं सफा सफा कहीदेला गर्भाशय जोरे आघात जो से जीवन केवे माँ हो पार हे प्रभु से झीटा प्रति एत निर्दय हल कहीं प्रभु एत निर्दय हल कहीं अरे माँ बसा बाबा तु आ मन दुख करनी रे माँ ठाकुर भरोसार देखू सब ठीक रे माँ सब ठीक भरोसा करी बाबा मोर सब आशा भरोसा तो मटी मिशी धूल साथ हो जा तो पाखरे परा मुझे छाड़बी बाबा से चली दास को मु जमार छाड़बी जी कि मो बापा बहुत को मारी देछि मु ताकु जमार छाड़बी बाबा मु ताकु जमार छाड़बी अरे मा तू कौन कही जाऊ छु अरे तू तो गोटे झी पिलाटा आउ से दि जण हेले नर रूपी राक्षस तते मारु मारु मारी देबे रे मा मरिबा के मते जमार भय नाही बाबा मरिबा के मते जमार भय नाही केले भय के बोलत कि मो मामू का पाई जो मामू के मते दंड न देखिले अंधा हो जाउतिले आज को सात दिन हो जीवो केमिति जे तांका दिन कटतिबो से कथा भाबिले बेलकु मो छाती भीतर अट्टा फाटी जाउची एणु मु मोर से पृथ्वीपुर गाँव को फेरी जीवा को चाहूँ बाबा हाँ रे माँ तू जीवू सेठी तोर अनेक काम बाकी अच्छे कहीं ते मना करी बर ठीक हे मुझे नहीं तो प्रीतिपुर गाँव में छाड़ आसबी बाबा हाँ माँ मुझे नहीं तो गाँव में छाड़ आसबी कौन कही आप धन्यवाद देवी मुझे भाषा खोजी पार नहीं आपरी श्रीमंदिर जीअंता ठाकुर मु ठाकुर नुहे रे माँ मु तो गोटे साधारण मनीष बाबा अरे माँ आ मनीषर धर्म पालन करुचे तू परा कहूल तू गाँ को जीवाई हाँ बाबा चल माँ तेत नहीं कि छाड़ दी पलि आस तेब ठीक अच्छे बाबा चल तो बुद्धिमंत राजेश्वर पुत्र श्रावण को अनेक प्रकार बुझे से मो कथा को जमारु बुझिलानी से तो प्रेम पाई गिद्रे अटल एभली परिस्थिति रे मु कौन करबी महामंत्री जदि किछि उपाय अछि ताहले करंतु प्रकाश महाराज छोटा मोहरे बड़ कथा महाराज आपण जदि खराब न भाबे ताहले मो मत प्रकाश करंती महामंत्री बुद्धिमंत राजेश्वर एथिरे खराब भावर प्रश्न उठुनी निसंकोचरे करंतु प्रकाश महाराज राजकुमार श्रावण जे जे को भल पाउछंती
आउ बाहा पाई जी धरि बैछंती मो मतरे तांक प्रस्ताव को ग्रहण करि ना बाउची कहि किना राजकुमार जते बेले भल पाउछंती से माने ते खराब न थिबे मानु जी से माने गरीब होइ परंती सत किंतु पंकर पद्म फुटिला बोली रूप रे गुण रे सुंदर होइथिबे एणु करी आपण मध्य प्रस्ताव रे राजी हो जानतु महारा देखिबे पुणी थे माणिक्यपुर राज्य रे फेरी आसीबो खुशी रे लहरी एणु करी आपण मध्य प्रस्ताव रे राजी हो जानतु महाराज आपण राजी हो जानतु तुमे ठीक कहिछ महामंत्री मु मध्य मो पुअ श्रावण को ठीक भावर चिन्हिछि से केते जिद्खोर से केते ता प्रेम पाई जिद्रे अटल से सजना गठ परि छिंडी जीव सिना हेले से केबे लही जीवनी से जदि पिलालिया बुझरी पड़ किछि भूल काम करि बसे ताहेले सब दिन पाई मो मान सम्मान चल जीव मो कहारी आगरे मुंड टेकि बाट चली पारिनि से तुम कहवा कथ अनुसार मो पुअर खुशी मुझे ये प्रस्ताव राजी अच्छी महामंत्री मुझे प्रस्ताव राजी अच्छी महाराज कहतु महामंत्री मु ज्योतिषंक जहाँ सब शुणी आसंता बैशाख शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बाहाघर शुभलग्न अच्छी एणुक ज्योतिषंक परामर्श अनुजाई शुभ लग्न बाहाघर कार्यटा संपन्न करदे बहुत भल हाँ महाराज बहुत भल हाँ महामंत्री बुद्धिमंत राजेश्वर जाओ डेंगुरा बाला को जाए कही दियो से राज्यटा सारा बुली बुली डेंगुरा दे देवे देवे ठीक अच्छे महाराज आसंता बैशाख शुक्ल पक्ष दशमी तिथि मो श्रावण बाहाघर खूब धूमधाम एणु समस्त राज्यवासी यही बाहाघर रे उपस्थित रही नवदंपति को शुभाशीर्वाद प्रदान करवाहे ठीक अच्छे महाराज मु शीघ्र शीघ्र जाए डेंगुरा वाला को जाए खबर दे चल आस महाराज तुम जाओ महामंत्री आज्ञा महाराज मो शीघ्र महाराणी मंदाकिनी तुम्हें जो शिशुपुत्रटी को जन्म देकि ए पारि आर पारि को चलीगल हेले से शिशुपुत्रटी को मो लालन पालन करते बड़े कर सारी महाराणी आसंता का तार बाहाघर करने को आज भली दिन में तुम्हें जदि था खुशी अनुभव करते महाराणी के खुशी अनुभव करते हेले कौन करी दैव दौड़ी मणिष गाई जेणिकी ओटारे तेणिकी जाए किसी नहले भी तुम्हें स्वर्ग थी तुम पुत्र बधू को आशीर्वाद कर महाराणी तुम पुत्र बधू को आशीर्वाद करमती चलापथ कुसुमित हुए हौ से पटे तो बाहाघर पाई मोर अनेक कार्य बाकी रही जाइए तेब ठीक अच्छे मुझ्र से चली जाए
आज को आठ दिन हो घर वर्षा माँ मोर बाहरी जा ठीक से दिन रात ज्वर हो ज्वर सांग को पुणे काश होमती भाव काश हो टे भी विश्राम नहीं पारुनी हे डाक्तरखाना जा डाक्तर बाबू को परामर्श रे एत औषध आनी सबुदिन से खाऊ जमा भी कमार ना नौनी हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ कालिया शांत बलिया भुज मु तुमको एतिक प्रार्थना करुची ठाकुर से दिन मो भाणजी से तार ठिकण जगा को चली जा ठीक भाव से पहुँची तो प्रभु ठीक से अच्छी तो से जेमिति थाओ जेपरी अवस्था रे थाओ तमें ना ताकु तुम भुज तले रखी थी ठाकुर समय जे अनेक है मु औषध खाई ना औषधटा खाई मुझे विश्राम करे किए किए से हर कहार पाद शब्द शुभिला पर लगुच किए अच्छ मामू तो बहुत भागने वाले जी वर्षा आसी मामू हरे भीषण ज्वर ए मामू कौन है मामू तुम्हारा कौन है मामू तू जो दिन घर बाहर गलु ना से दिन रात देह को ज्वर हो ज्वर सामने को पुणे काश भी हो डाक्तरखाना जा डाक्तर बाबू मेंचाई औषध दे सबुदिन खाऊ जमार भी काटार ना नौनी न काटू ए माँ एबे तो तू मो पाख को फेरी आसीचु अंत पक्ष ते देखी मुझे शांति तो मरी पारि लो तुम्हें सेमती बाप कथा जमारे दुंदारी धरानी मामू तुम्हारे किसी असुविधा हम भगवान नाम प्रति निर्दय हो पारे बाबू देख आपे सब ठीक सब ठीक लो हेले ना से दिन जो तोर ठिकणा जगह को जीवापी बाहरी गलु ठीक समय से पहुँची पार तो माँ ते तो शाशुघर लोक आदर सत्कार कर ग्रहण करे तो सब गोटी गोटी करी करी से दिन सीना तुम कथा न मानी मु पदाक पाद काढ़ी मो ठिकणा जगह को जीवाई मु ठिकणा जगह को पहुंची पारिनी मामू केमिति रे मा बाटर जाऊ जाऊ से बुला रंगाधर तारी भणजा चंडीदास चंडीदास सहित मोर देखा गला से मैंने मो प्रति अनेक अन्याय अत्याचार कर मामू अत्याचार करते काकुती मिनती हेले से मैंने मो कथा को जमार शुणिले शेष शेष कौन है
ଶେଷରେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାରି ଦିଅ। ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ବାବା ଆସି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଯେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ପୂଜକ ଜଣ ନା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଯେ ଚକା ବଇଠିରେ ବସିନଥାନ୍ତି ସିଏ। ହଁ ବାବୁ, ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପୂଜକ ବାବା ଜଣଙ୍କ ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ରହି ମୋତେ ବହୁତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି। ସେଇଠୁ ପୂଜକ ବାବା ଜଣଙ୍କୁ କହି ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କାଲି କିଏ ଗାଁ ବାଲା ଦେଖିଦେବି। ସେଇ ଭୟରେ ଏଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ଲୁଚି ଲୁଚି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ବାବୁ। ଚୋରଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଠିକ କରିଛୁ ଲୋ, ତୁ ଭଲ କାମଟେ କରିଛୁ ବାବୁ। ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି କେଜଣେ ମୋ ଶ୍ରାବଣ ବାବୁଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଆଜି ଭାରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଠିକ ସେମିତି ଝୁରି ହେଉଥିବି। ଏଣୁ ମୋ ଶ୍ରାବଣ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ଥରଟେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ବାବୁଙ୍କୁ ଥରୁଟି ମୁଁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। କାହିଁକି ସେ ଶ୍ରାବଣ ବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତୋ ଶରୀରକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ? ହେ ମା, ତୁ ଭାବିନେ ତୋ ପ୍ରେମଟା ଗୋଟିଏ ତୋ ଜୀବନ ଆକାଶର ପାହାନ୍ତି ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବୋଲି? ଶ୍ରାବଣ ବାବୁଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବି? ଶ୍ରାବଣ ବାବୁଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଏ ବାବୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେହୁରାଉଛି, ମୋତେ ମୋ ଶ୍ରାବଣ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରୁଟେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ବାବୁ। ମନା କରନି ବାବୁ, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କଥାରେ ତୋତେ ମନା କରିନି, ହେଲେ ଆଜି କାହିଁକି ମନା କରିବି? କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ମନା କରିପାରିବୁନି, ଆଜି ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ଯିବି, ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ନେହୁରା ହୋଇ ତୋ ପାଇଁ କହିବି। ତୁ ଜମା ମନା କରିପାରିବୁନି ଆଜି। ଚାଲ ମା, ଯିବା ତାହେଲେ, ଚାଲ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାମୁଁ, ଏଠି ହେଉଛି ମାରେ ମନା କରିବାନି, ଚାଲ ଶ୍ରାବଣ ବାବୁ କମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବା। ଅଛି ମା। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାମୁଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମାମୁଁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଆସନ୍ତା ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିନ ରାଜକୁମାର ଶ୍ରାବଣଙ୍କର ବାହାଘର ଅଛି, ଏଣୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷର ବିବାହ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ଶ୍ରାବଣ ବାବୁଙ୍କ ବାହାଘର ନାଇଁ ମାମୁଁ, ମୁଁ ଏ କଥାକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ମାମୁଁ, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି? ସେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଲାଟା ଯାହା କହିଗଲା ସେ କ'ଣ ମିଛ? ଯାହା ସବୁ କହିଯାଉଛି ସେ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ମିଛ ମିଛ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଏଠି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଜମାରୁ ଠିକ ନୁହଁ। ମୋ ଶ୍ରାବଣ ବାବୁ ଏତେ ବଦଳିଯିବେ
मुए कथा को केबे भी विश्वास करि पारिबि नै मामू केबे भी विश्वास करि पारिबि नै पुए त सूर्य पश्चिम पश्चिम अधिकार उदय होचि बोली कहि देबो विश्वास करि जेबि किंतु मोह श्रावण बाबू के बाहर अन्य का सहित नै मामू मुए कथा को केबे भी विश्वास करि पारिबि नै मामू केबे भी विश्वास करि पारिबि नै काहे के मिति पभत उछरे बा मो तते हात जड़ी कु नेहुरा होचि तू सब दिन पाई से श्रावण बाबू को भूली जा केमिति भूली बे मामू केमिति भूली बे मु पर तंक मो जीवन अधिक भला पाए राधा जेमिति भला पाई थिले सेई नटवर कालिया कंदुकु मनुति तंक प्रेम रे पवित्रता थिला हेले क्षणिक सुख पाए आज मोर अवस्था एणु हे मोर जीवती पौणी माने आपणक मोर विनम्र निवेदन क्षणिक सुख पाए प्रेम भले पवित्र शब्द को केबे भी अपवित्र करिवेनि नहले मोरे मोरे दुर्दशा आपन मानक जीवन रे मत फासी पारे एणु सावधान क्षणिक सुख पाए प्रेम भले पवित्र शब्द को केबे भी अपवित्र करिवेनि मामू मुझे ठीक अनुमान कर पारे छे मामू श्रावण बाबू के बाहर रे निश्चय गोटी कहानी लुची रही छे की कहानी मां आ उसे कहानी असल गबर्थन हो छे सही सही तां चंडीदास चंडीदास तुम्हें पता कहो तेरा मो बापा बाबू का सड़क का दुर्घटना में मृत्यु घटी छे बोले आज को 15 वर्ष तड़ा रा कथा मामू सही सही तां चंडीदास सही सड़क दुर्घटना करे मो बापा बम को मारी दे छी बाबू मो बापा बम से मारी दे छी जान छ बाबू कोन बा मो सन पौणी श्रावणी श्रावणी आमो श्रावणी मो सन पौणी श्रावणी पर बंची श्रावणी ताले बंची छी हां बाबू हले कोठी अछि छी सही सही तां चंडीदास सही सड़क दुर्घटना स्थल रु मोसान भोली श्रावणी को उठे नहीं तारी हाथ मुठरे रखी अरे मो श्रावण बाबू सहित श्रावणी बाहर कर श्रावण बाबू को धन संपत्ति पर तार नजर पकई मुझे अन्याय कार्य के बेहबा को देवी मामू छाड़ी नहीं सही सहित चंडीदास को जमारु छाड़ी नहीं जे कि मो बाबा बम को हत्या करी छे मो बाबा बम को हत्या करी को निश्चय प्रतिशोध लेबी मामू मो निश्चय प्रतिशोध लेबी एणु सर्वप्रथमे हमें श्रावणी को साक्षात करबा को हबो एणु जमारे विलंब करनी बामू चलमा श्रावणी को हमें साक्षात करबा को जीवा चलमा तबे ठीक छ बामू थरुटे मो बड़ पा सहित मत भेट कर दि ठाकुर थरुटे मो बड़ पा सहित मत भेट कर दि का सकाल मोर बाहर मुझे मो बड़ पा सहित भेट न मत नर्क भी जगह मिली बोले ठाकुर
ମୋତେ ନରକରେ ବି ଜାଗା ମିଳିବନି। ଏ ମାମୁ, ଥରୁଟି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ ମାମୁ, ଥରୁଟି ଥରୁଟି ତୁମକୁ ମନ ଭରି ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଥରୁଟେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। କିଏ ଅଛ? ଥରୁଟେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ମୋ ବଡ଼ ବାପାକୁ ଦେଖିବି, ମୋ ମାମୁଁକୁ ଦେଖିବି। ଆଲୋ ମା ଶ୍ରାବଣ ମଉସା। ଆଲୋ ମା। ଏ ମଉସା, ଥରୁଟେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ମଉସା, ଥରୁଟେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ଆଲୋ ମା ଶ୍ରାବଣୀ, ଏଇ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ମୋ ଭଣଜା ମୋତେ ମାରିଦେବ। ଲୋ ମାରିଦେବ, ଏମିତି କୁହନି ମଉସା, ଏମିତି କୁହନି। ଛୋଟରୁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଲି, ଏ ଯାଏ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଏ ଯାଏ ମୋ ବଡ଼ ବାପା ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଥରୁଟେ ଥରୁଟେ ମୋତେ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ ତୁମକୁ ଧର୍ମ ଲାଗିବ ମଉସା, ତୁମକୁ ଧର୍ମ ଲାଗିବ। ଆଲୋ ମା ଶ୍ରାବଣୀ, ଭଣଜା ମୋର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ତୋ ଉପରେ, ବହୁତ ତୋ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ଏଇ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେବି। ଏ ନେଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଉଥିଲୁ ମା। ଆଲୋ ମା ଶ୍ରାବଣୀ, ଏ ନେଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ଏଥର ତୋ ମା ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଲୋ ମା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ମୋ ମାମୁଁ ପାଖକୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ମୋ ବଡ଼ ବାପା ପାଖକୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ଏତେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଯିବି କେମିତି? ମୋତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପ୍ରୀତିପୁର ଗାଁକୁ। ହଁ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ପ୍ରୀତିପୁର ଗାଁକୁ। ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ପୁରା ତୋ ହାତ ଭାଗିନି ଭଉଣୀ, ବର୍ଷା ଆସିଥିଲ ବର୍ଷା। ଚଣ୍ଡିଦାସ ମୋହରୁ ତୋର ବିଷୟରେ ଶୁଣି ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଏ ଦେଖିଲୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାମୁ। ମାମୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମ ସାନ ଭାଣିଜୀର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ମାମୁଁ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମ ସାନ ଭାଣିଜୀର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା? ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଲୋ ତତେ, କେତେ ଝୁରୁଥିଲା ମୋ ମନ ତୋ ପାଇଁ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ, କ'ଣ କରୁଥିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି ମା। ଏ ମାମୁଁ, ତୁମକୁ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରାବଣୀ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦବୁ ନା ଶ୍ରାବଣୀ? ହଁ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦବୁ ନା ଅପା? ହ୍ୟାଲୋ ଶ୍ରାବଣୀ, ତୋର କଣ ହେଇଛି? ତୁ ପୁଣି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ କାହିଁକି? କାଲି ସକାଳେ ମୋର ବାହାଘର। ବାହାଘର? ହଁ, କାଲି ସକାଳେ ମୋର ବାହାଘର।
ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ କାହିଁକି ମୋତେ ମାମୁ? ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋ ସିନାନାକି ଭଉଣୀ ଶ୍ରାବଣୀର ବାହାଘର, ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ପୁରା ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମା। ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ଶ୍ରାବଣୀ, କାହା ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ଜାଣିଛୁ? କାହା ସହିତ? ତୋରି ପ୍ରେମ ଶ୍ରାବଣ ବାବୁ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର। ଲୋ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? କ'ଣ ପାଗିଲିଙ୍କୁ ଭଳି ଏଣସରେ କହିଯାଉଛୁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ ବାବୁ, ସତ କହୁଛି। ତୋରି ପ୍ରେମ, ତୋରି ପ୍ରେମ ଶ୍ରାବଣ ବାବୁ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର। ଲୋ ଶ୍ରାବଣୀ, ଏ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଜୀବନ ଛିଣ୍ଡି ଗଲାନି କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ମାଆର କଳର ଜନ୍ମ ନେଇ ତୁ ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ତ ସଫଳ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। ମୋତେ ଅପା ବୋଲି ଭାବିନେ, ତୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀଟା ତୋ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛି। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ ଅପା? ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ତୁ ଯଦି ଏମିତି କହିବୁ ନା, ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଲୋ ତୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମରିଯିବ, ଲତା ମରିଯିବ। ସେଦିନ ସେଦିନ ଯଦି ସେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯଦି ମୁଁ ରାଜି ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଶ୍ରାବଣୀ, ସେମାନେ ପରା ଆମ ମାମୁଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ତୋରି ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ଭାଗ ବସେଇଥିଲି। ଭାଗ ଶ୍ରାବଣୀ, କିଛି ନ ବୁଝି ତତେ ରାଗରେ କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଇ ମନ କହିଦେଲି, ମନ ମନ କରିବୁନି। ସକାଳ ପାଣିବାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି, ତୁ ତୁ ମାମୁଁକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା ଶ୍ରାବଣୀ, ନହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଆସିଲେ ତତେ ମାରିଦେବେ। ଲପା ମାରିଦେବେ, ମାରି ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ରାବଣୀ, ମାରିବାକୁ ମୋତେ ଜମାରୁ ଭୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକାଥରେ ମରିଯିବାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ବରଂ ମୁଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ତୁ ତୁ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିପୁର ଗାଁକୁ ଚାଲିଯା, ଆଉ ତୋରି ଜାଗାରେ ବରଂ ମୁଁ ଏଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ ରହିଥିବି। ଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏ ଦୁନିଆରେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଦେଖ, ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ବନ୍ଦି ସଜେଇ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ତା ମାମୁଁ ସହିତ ଗାଁକୁ। ଲପା ନା, ତୁ ଏମିତି କହୁନି ଲପା, ତୁ ଏମିତି କହୁନି। ଆଲୁଣି ସିନା ବଡ଼ ମୋ ପରା ତୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ତୋ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ସହି ପାରିବିନି ରେ। ଏ ଅପା, ତୋତେ କେମିତି ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବି? ତୋତେ କେମିତି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବି? ଶ୍ରାବଣୀ, ତୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ। ଲୋ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନ, ତୁ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିପୁର ଗାଁକୁ ଚାଲିଯା। ମୋ ଶ୍ରାବଣୀଟା ପରା, ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥା ରଖିବୁନି? ଏ ଶ୍ରାବଣୀ, ତୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତିପୁର ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ହଁ ଶ୍ରାବଣୀ, ସେଇ ସୈତାନ ଚଣ୍ଡିଦାସ, ସେଇ ସୈତାନ ଚଣ୍ଡିଦାସ ଏକାଳେ ରଥ ଲୋକ ବଥନ, ଏଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଶ୍ରାବଣୀ, ମୁଁ ତାକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯିଏକି ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି, ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଶ୍ରାବଣୀ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁନୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିକି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ? ଏ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଅପା? ହଁ ଶ୍ରାବଣୀ, ସେଇ ସୈତାନ ଚଣ୍ଡିଦାସକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ବାଟ, ତାହା ହେଉଛି ସେଇ ବାହା ମଣ୍ଡପ। ଏଣୁ ବାହା ବେଦୀରେ ବସିଥିବି ମୁଁ।
ବାବୁ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସେହି ବାହା ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ। ସେଇଠି ଦେଖାଯିବ ସେଇ ସୈତାନ ଚଣ୍ଡୀଦାସକୁ, କାହିଁକି ନା ବାହା ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରାବଣ ଭାବୁଥିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ବାହା ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବେ। ସେଇ ଚଣ୍ଡୀଦାସ ଆଉ ଆମର କିଛି କରିପାରିବନି, ଏଣୁ ମୁଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ମାମୁଙ୍କ ସହିତ ତୁ ପ୍ରୀତିପ୍ରକାଙ୍କୁ ଚାଲିଯା। ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ, ପୁଣି ଭେଟ ହବ ସେଇ ବାହା ବେଦୀରେ। ମୁଁ ତତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଚଣ୍ଡୀଦାସ, ମୁଁ ତତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ତୁ ମୋ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛୁ ନା, ମରିବୁ, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତତେ ଦେଖିଦେବି ଠିକ ସେଇ ବାହା ବେଦୀରେ। ରାଜେଶ୍ୱର, ଆଜି ହଉଛି ମୋର ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ, ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ମୋର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ଦିନର ଆଶା ଆଜି ମୋର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମହାରାଜ, ବାହାଘର ଖବର ଶୁଣି ଆମ ଏ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରିୟତା ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଖବର ଶୁଣି ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଛନ୍ତି। ହଁ ମହାରାଜ, ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା କାହିଁକି, ଯାଅ ପୁତ୍ର ବଧୂକୁ ବର ନେଇ ଆସ ବିବାହ ମଣ୍ଡପେ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ବର କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବିବାହ ବେଦୀକୁ। ତେବେ ଯାଅ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଏଥର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଚଣ୍ଡୀଦାସ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର କରିବୁ, ଏଣୁ ମୋ କଥା ମାନି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜାଗ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ତୋର ତ କମ ସାହସ ନୁହଁ, ତୁ ଯେତିକିରେ ଲୋକ ସେତିକିରେ ରହିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ବେଶୀ ଯଦି ପାର୍ଟି କରିବୁ ନା, ସଲାମ ହଡ଼ ମୁଁ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ସେ ପୁଣି ଚଣ୍ଡୀଦାସ ତଣ୍ଟି ଯିବି, ରକ୍ତ ପିଇଯିବ ରକ୍ତ। ତୁ ସଲାମ ସୁନାର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲୁ ନା,
এই দেখ মোর দুইটা ভাণেজ মো সম্মুখরে অছন্তি তু শোনা জি মরিবুরে তোতে মু তন্টি চিপি মারি দেবি তো পড়ে বাহাঘর কসি বাধা সৃষ্টি দেখাউছবে তোর যদি জীবন কু আশা থাকে তাহলে জনি দাস ধরে জীবন ভিক্ষা নেই চলে যা তোতে লাজ শরম আছে না নাই কেইটা টঙ্কার লালসারে তুই এতে তার তু খসি যাইছু হ্যাঁ বে কেইটা টঙ্কা পাই তালাকু খসি যাইছু হেলে তোরি পাই আবে কেতে অপমান সহন করছু তোতে ছাড়িবি নি এই না মু তোতে নিশ্চয় মারি দেবি বে মারি দেবি তু মোর কিছু খাতে করি পারিবু নি হ্যাঁ তু মোর কিছু খাতে করি পারিবু নি এই দেখ মো মামু সাই তোমার ভেট হই যাইছি এই দেখ মো বড় বাপ সাই তোমার ভেট হই যাইছি তু মোর কিছু খাতে করি পারিবু নি বড় তু মারিবু পাপি তু মারিবু তোতে মু ছাড়িবি নি নিশ্চয় বলে দে মারি দেবি বে মারি দেবি আবে মরিবু বে তো নিশ্চয় মরিবু তো মো বাবা বংক সড়ক দুর্ঘটনা মারি দেবি না হলে তাতে ছাড়িবি নি হ্যাঁ মো তাতে জামার ছাড়িবি নি এ বাবা এই দেখ রে এই দেখ গোটা কাল নাগুনি কাহে গিরা মাম ভড়ে দাতো যেমিতে দংশন করিবা পাই দৌড়ি আসিছি রে মামা দৌড়ি আসিছি আবে বুড়া রঙ্গাসর এই কাহিনীর আসল খবর ধরছু তো মু তোকে ছাড়ি দিবি মু তো মধু হইকো গটি গটি করি মারিবি তু আমার কিছু বি করি পারিব নি কাহে কি না তু হউছু গটাই অবলা দুর্বল নারী আচ্ছা নারী কু তে এত অবলা দুর্বল বলি ভাব নাবে সে কাহা পাই জাননি কা কাহা পাই ভিকিনি কতে বলে সাজি যাই পারে দুর্গে দুর্গতি নাসিনি কাহ কতে বলে সাজি যাই পারে ঝান্সি রানী লক্ষ্মী বাই হে বাবা এই দেখ রে ঝান্সি রানী লক্ষ্মী বাই হাস মারছি না আরে হাস মন না খুলি হাস কাহে কি না মৃত্যু পূর্বরু ঠিক এমিতি হাসিছিলা সেই লঙ্কার রাবণ ঠিক এমিতি হাসিছিলা মহারাজা কংস তু বা তাঙ্ক ঠার বাদ যাবু কেমিতি আরে হাস মন না খুলি হাস কাহে কি না তো মৃত্যু সময় পাখি আসিলাণি পরা আরে হাসিলু হাস তো আমার কিছু বি করি পারিবু নি কাহে কি না মর পরম সত্য হচ্ছে এই শ্রাবণী মু তোতে ছাড়িবি নি নিশ্চয় মু তোতে মারি দেবি বে হেলে এই শালা বলা ধরা যা হইছি ও ভৌণীর হত্যা করি মু তোতে ছাড়িবি নি নিশ্চয় মু তোতে মারি দেবি হেলে আগো এই চকিটাকে মারিবি তারপরে যাই সমস্তঙ্কে গটি গটি করে মারিবি আউ কহি রাখুছি শুন নিজ নিজ জায়গায় নিজে ছিড়া রুহ আউ যে যদি আগকু পাদ বড়াইব না তাকে মইনে নিশ্চয় মারিবি হেলে আগো ইয়াকু মারিবি তারপরে যাই সমস্তঙ্কে মারিবি হ্যাঁ এই নে মুজতে মারি দেবি বে মারি দেবি বঞ্চি পারিবি নি শ্রাবণী বাবা বঞ্চি পারিবি নি এমিতি কহ মামু সল মামু মতে ক্ষমা করি দেব মামু মতে ক্ষমা করি দেব মো পাই তুমি অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সহি সালিছ
मोते दे तुम्हें कितनी आशा भरोसा रखी थी ला इले मोते चला तुम्हें क्या मकरी तो बनी श्रावणी श्रावणी तेरे किसी हवनी लो आज तो मामू का दायित्व तो ऊपर रहेगा बोलो पाहा मामू का मरने के बे कष्ट आधा बने श्रावणी पापा नहीं श्रावणी मुझे परा मुझे परा ऊपर उड़ा कर आस्तीलानी काही के में तो तोर किसी हवनी लो स्वर्ग थाई मो बापा मो बापा मते हाथ धरी राखी छंती हलो मा बापा मो तुम मन के मख को चली जेबे मो तुम्हारी मख को चली जेबे श्रावण बाबू कथा दे कहे बस श्रावण बाबू बस तुम्हें तुम्हें मत